जोड़ो यात्रा की, तो राजस्थान में यात्रा का आज सातवां दिन है। आज का सफर केशवरायपाटन के बलदेवपुरा से शुरू हुआ और जो कि अब सीएडी कैंपस लबान पहुंचकर यात्रा जो है वो विश्राम पर है। आज पहले चरण में यात्रा करीब 12.8 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा की हर रंग की ये तस्वीर हम लगातार यहाँ पर कैद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बूंदी में राहुल गांधी ने आज की यात्रा के दौरान बैलगाड़ी की सवारी और पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा यहाँ पर लेकर आए थे बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर लबान सीएडी कैंपस में है और शिमला से लौटकर यात्रा की फिर से यहाँ पर अगुवाई जो है वो राहुल गांधी करेंगे। बूंदी में किसान नेता दशरथ सिंह से भी यहाँ पर राहुल गांधी ने मुलाकात की, तो वहीं यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ यहां पर दिखे, तो वहीं बच्चों ने भी ना सिर्फ राहुल गांधी से यहां पर मुलाकात की बल्कि पुशअप्स भी उनके साथ लगाए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, बेहद खास तस्वीरें जो है वो हर दिन इस यात्रा से निकलकर सामने आ रहे हैं। हम तो खटखटा रहे हैं हर एक दरवाजे पर, हम तो चल रहे हैं, पर हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं, राज्य के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश घर घर ले जाएंगे। इसीलिए आप थे नहीं जब मैंने घोषणा की थी, 26 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू होगा। उसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और चलिए इसी के